हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड ऑल आर बी फाइन। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7। अ न्यू टॉपिक इज डेटा हैंडलिंग। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट अ लॉट ऑफ चैप्टर्स विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। आफ्टर दैट बाय जून क्लास आई विल टेक विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स एंड सिमेट्री, also take data handling, and I thought that I want to give a video about that. If you have a video of this chapter, then you have to teach, you have to study every times. Okay, to beta, video banane ka matlab yahi hai ki aap bar bar practice kare, usko samjhe. वैसे तो मैंने zoom class में पढ़ाई दिया है, लेकिन दैट इज द मेन मैटर। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट विद द हेल्प ऑफ वीडियोस एंड अपग्रेड योर नॉलेज विद अ ग्रेट प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर्स यू हैव टू नो अबाउट देयर बेस, व्हाट इज दैट, वो चीज है क्या। कि जैसे मान लो बेटा, अगर आप नहीं जानते कि जो मेडिसिन है, कालपाल है, निमोसलाइट्स वगैरह है, आपको नहीं पता ये कहां मिलेगा, तो आप हलवाई की दुकान पे जाके तुम्हारे नहीं बैठ भैया आपको दे दो, नहीं वो स्लाइड दे दो, पांच गोली दो गोली दो भी। तो दैट इज अ प्री नॉलेज। ये मेडिकल हॉल पे मिलेगा, किसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। ठीक उसी प्रकार डेटा हैंडलिंग पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि डेटास क्या होते हैं, इनके पार्ट्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस एट डेटा। डेटा क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। डेटा क्या होता है, तो एन इंफॉर्मेशन द ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म्स। जो भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म में कलेक्ट होता है वो डेटा कहलाता है। न्यूमेरिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे, वो आए वो गए, वो खाए वो पिए, तो जो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है वो डेटा कहलाता है। जैसे बेटा मान लें कि हमने आपसे कहा कि नाउ इन दिस टाइम यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर सिटीज लाइक कानपुर, लाइक दिल्ली, लाइक लखनऊ, लाइक बनारस, लाइक यूपी मतलब वाराणसी, लाइक आपका प्रयागराज, लाइक एनी वन, तो यू हैव टू राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ दैट डे। तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में हुआ। एंड इंफॉर्मेशन या द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो भी इंफॉर्मेशन, वट एवर जो भी इंफॉर्मेशन है, तो अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। जो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है वो डेटा कहलाता है। अब डेटा में क्या है, देखो बेटा, रॉ डेटा, रॉ मटेरियल, रॉ डेटा क्या होता है। द डेटा इज इन यूजुअल फॉर्म, मतलब इन ओरिजिनल फॉर्म, यू कैन से अबाउट दैट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। जैसे यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो क्लास 10th का मैथ का टेस्ट हुआ, तो मैंने किसी बच्चे से कहा कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मेक अ मार्क लिस्ट ऑफ द मैथ्स मार्क्स। उसने क्या किया, कॉपी कलेक्ट की, कॉपी किए गई, कॉपी ले लिया और उसका नंबर, नाम और नंबर नोट करते हुए चले गए। तो जो इंफॉर्मेशन तैयार हुआ वो क्या हो गया, रॉ डेटा हो गया, जैसे ओरिजिनल फॉर्म में हो गया। अब उसको हम किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज कर दे, रोल नंबर वाइज लिख दें या फिर नंबर के असेंडिंग ऑर्डर वाइज लिख दें, सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ डेटा आर कॉल्ड अरेंज डेटा। या ऑर्गेनाइज्ड डेटा, अरेंज डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो डेटा क्या होता है, अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। रॉ डेटा, द डेटा इज इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। और जो अरेंज कर देता है, किसी न किसी सिस्टम से उसको अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो अरेंज डेटा कहलाता है।
इसके बाद आता है बेटा प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, समझिए, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ध्यान समझिएगा बेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओनली, जो डेटा जो इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट किया जाता है, जैसे खुद से खाना बना खाइए तो प्राइमरी, अब दूसरा कोई बना दे भर लीजिए तो सेकेंडरी। आप समझ आ गया, इससे ज्यादा समझ आ जाएगा। खाने वाली चीज बड़ी सच्ची समझ में आती है, समझ रहे हैं आप लोगों को, खाने वाली चीज तो बिंदास समझ में आती है। अगर खाना बना के खाएंगे तो प्राइमरी, खाना बना बनाया है खाएंगे तो सेकेंडरी, ये जान लीजिए। यानी जो इंफॉर्मेशन, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो गया प्राइमरी डेटा। जैसे मैंने किसी बच्चे से कहा कि मेक दिस लिस्ट ऑफ दिस मार्क, आप एक लिस्ट बनाओ, उसने क्या किया खुद से लिस्ट तैयार की, तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन आई वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरे लिए क्या हो गई वो सेकेंडरी हो गई, क्योंकि मैंने किसी से करवाया, मैंने क्या किया किसी ने किसी माध्यम से करवाया। तो जो इंफॉर्मेशन बिना किसी सोर्स के खुद से तैयार किया जाता है, खुद से कलेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। और जो इंफॉर्मेशन किसी ने किसी सोर्स के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी डेटा। अब सोर्स क्या हो सकता है, टीवी, मैगजीन्स, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है। तो किसी न किसी माध्यम से जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो सेकेंडरी डेटा, और जो डेटा खुद से कलेक्ट किया जाएगा वो प्राइमरी डेटा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा आप अपने कॉलोनीज में जाइए और हर घर में एक डेटा तैयार करिए, हर घर से कि हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ईच होम, कि बिजली का खर्च क्या है। तो आप गए और हर घर से खुद से गए और हर घर पे जाके आपने पता किया, जो डेटा तैयार किया, तो आप डायरी लेके गए, सब जगह नोट करके आए, जो नोट करके आए वो ओरिजिनल डेटा हो गया, यानी रॉ डेटा। फिर उसको आपने अरेंज किया, हाँ टिंकू क्या इतना खर्च होता है, पिंकू क्या इतना खर्च होता है, चिंकी क्या इतना खर्च होता है, रिंकी क्या इतना खर्च होता है, वगैरह वगैरह। अब किसी क्या घंटी बजा दे, आंटी बताइए कितना बिजली खाती है, आंटी भड़क गई, अब बाबा उसको बिजली खिला रहा है, मारेगा क्या, समझ लो चाय भी नहीं मिलेगी। और प्रेम से पूछेंगे, आंटी जी आपके घर में हर मंथ का बिजली का खर्च, सोचेंगे को भैया तुम जासूस होगा, आखिर में आया जासूसी करने आया, बताओ क्या किसी को, कहा नहीं 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 बस हम एक सर्वे कर रहे हैं, हमको एक प्रोजेक्ट मिला है, हमारे सर ने लिया है, तो हम एक सर्वे कर रहे हैं। तब कहेंगे ऐसे ठीक है बेटा कर लो, लो चाय भी पी लो बेटा, ऐसे बोलेंगे। और कहेगा भड़क गया तो फिर समझ लेना बवाल कर देंगे, इसलिए प्रेम से। तो जाना नहीं है फिलहाल, मैं बता रहा हूं। तो जो डेटा आप, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप कॉलोनी में जाइए और ये बिजली का खर्च हर घर कितना है पता करिए, तो आप गए और खुद से नोट करके आए तो प्राइमरी हो गया। और आप गए नहीं, एक अंदाजन मार दिया बैठ के इंटर गूगल भैया पे डांस कराए, गूगल भैया को खोले आए एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी उसी के आगे पीछे करके सब बना दिया, तो क्या हो गया सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपने किसी न किसी माध्यम से कलेक्ट किया। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। हर डेटा को हम क्या कहते हैं, ईच डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन। प्रत्येक डेटा को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या बताया आपको, डेटा, डेटा क्या होता है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। रॉ डेटा जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है रॉ डेटा कहलाता है। अरेंज डेटा जिसको हम किसी न किसी माध्यम से अरेंज कर लेते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे रोल नंबर वाइज जो भी अटेंड कर लेते हैं, तो अरेंज डेटा हो गया। प्राइमरी डेटा जो डेटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं बिना किसी माध्यम के, बिना किसी सोर्स के, वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। और जो किसी न किसी माध्यम से कलेक्ट होता है वो सेकेंडरी डेटा। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। और प्रत्येक डेटा को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब कुछ चीजों पर और फोकस करना है, ठीक है, चीजें मैंने आपको बताई, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद आता है, एक आता है रेंज और एक होता है फ्रीक्वेंसी। इसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा, बताएंगे सारी चीजें। तो रेंज क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं
तो उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे हाईएस्ट डेटा और लोएस्ट। से मान लिया रखा 4 7 3 5 9 1 9 8 7 8 डेटा मेरा 9 8 7 जो भी 9 8 तक, ठीक है। तो अब ये डेटाज है, अब इसका रेंज अगर निकालना है तो सबसे बड़ा डेटा कौन है? 9। सबसे बड़ा डेटा 9, सबसे छोटा 1 है, तो 9 - 1 इसका रेंज हो जाएगा 8। हाईएस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा, ये रेंज होता है, ठीक है। अब डेटा बात बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी शोज दैट एन ऑब्जर्वेशन हाउ मच टाइम्स रिप्रेजेंट इन होल इंफॉर्मेशन। फ्रीक्वेंसी शोज दैट एन ऑब्जर्वेशन हाउ मच टाइम प्रेजेंट इन होल इंफॉर्मेशन, पूरे इंफॉर्मेशन में कितनी बार आया हुआ। जैसे यहां 4 एक बार आया हुआ है, 9 दो बार आया हुआ है, ठीक है। तो 9 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2। 9 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। मतलब 9 दो बार आया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी शोज दैट एन ऑब्जर्वेशन हाउ मच टाइम्स रिप्रेजेंट इन होल इंफॉर्मेशन। फ्रीक्वेंसी ये शो करती है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार प्रेजेंट है इस पूरे इंफॉर्मेशन में, ये फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे एक क्लास में, उनकी लिस्ट बनी, मैथ्स के मार्क्स की लिस्ट बन गई, तो 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो 15 मार्क्स पाने वाले उसमें 30 बच्चे, तो 30 की फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हम मार्क्स लिखेंगे तो 15 को 30 बार लिखा जाएगा, 30 टाइम्स लिखा जाएगा, तो 15 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 30। 15 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 30। 0 पाने वाले 5 बच्चे थे, तो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5। यानी जो इंफॉर्मेशन जितनी बार लिखा जाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, अब हम उसको बताते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आपको नींद आएगी। वीडियो जब बड़ा जाता है ना, नींद, बहुत बड़ा वीडियो है बात। अगर ईमानदारी से पढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं, भाई 40 मिनट का क्लास होता है, लेकिन वीडियो हम इसलिए पार्ट वाइज करते हैं कि जब भी आप फ्री हो, वट एवर यू फ्री, छोटा छोटा वीडियो आप देख सकें और उसके माध्यम से अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। लाओ, हमने आपको बताया डेटा, रॉ डेटा, फिर बताया मैंने प्राइमरी डेटा, अरेंज डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर मैंने आपको बताया रेंज, और फिर मैंने बताया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार किया जाता है, तब तक के लिए आप फिर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।